अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के साथ, रॉकेट शेयर्स विद चंद्र सुराना। चंद्र सर के साथ कनेक्ट करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं चंद्र सर। चंद्र सर बहुत स्वागत है आज के शो में। सर मैं माफी चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। शिवानी जी, अब आ रही आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। सर माफी चाहूंगी, थोड़ी सी देर हो गई आप तक पहुंचने में। जल्दी से आपका सेगमेंट शुरू करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी कॉल्स मिलती हैं, रॉकेट शेयर्स मिलते हैं हमें। तो सर सबसे पहले तो जो आपने लास्ट दो कॉल्स हमको दी थी उस पे एक बार बात कर लेते हैं, जो भी कोई अपडेट हो वो आप हमारे दर्शकों के साथ बांट दीजिए। लास्ट में स्टॉक रिकमेंड किया था हडसन एग्रो, HDSUN, ठीक है, वो 978 में रिकमेंड किया गया था। टारगेट था 1020, 1040, 1050 और 1075। 1050 तक के टारगेट हिट हो चुके हैं, अभी भी स्टॉक बुलिश है। 50% पोजीशन बुक कर ले, वीकेंड के पैसे निकाल ले, बाकी पोजीशन होल्ड रखें। ठीक है सर। सर नेक्स्ट स्टॉक नेस्ले करके एक स्टॉक दिया गया था 18,100 पे, वो 20,300 हो गए हैं। ठीक है, ट्रेडर है तो वीकेंड के लिए पूरे पैसे निकाल सकता है इसमें। सर क्या करना है, पूरे पैसे निकाल लेने हैं इसमें? पूरे निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। सर आपने शायद बारबेक्यू नेशन भी दिया हुआ है। बारबेक्यू नेशन दिया था, किसी का आपके व्यूअर का सवाल था। 1190 वाला 1250-60 हो गया था वो भी। ठीक है सर, आज के लिए कौन से रॉकेट शेयर्स आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे? बहुत से सवाल आ चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी सारे सवाल लेना चाहती हूँ। आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन आ रही है आज? एक स्टॉक है जीईटीएनडी। सर जीईटी, सर एक बार फिर बता दीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से। GETND करके। ठीक है सर, बताइए। ये स्टॉक 153 के ऊपर लेना है, ठीक है, तब इसका टारगेट होगा 160-70-80 का, इवन 200 भी पॉसिबल है। बहुत बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है तो बड़े रॉकेट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। ठीक है सर। सर एंट्री कब लेनी है इसमें? 153 के ऊपर ही लेना है इसको। 153 के ऊपर लेना है। 153 के ऊपर इसमें एंट्री लेनी है हमें। एंट्री, ठीक है, तो इसका टारगेट होगा 160-70-80, इवन 200 भी पॉसिबल है इसमें। 200 भी पॉसिबल है सर। ये ड्यूरेशन क्या रखनी है इसमें हमें? दो महीने क्या होल्डिंग रखें इसे, और इवन ये शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबल है। और 2 हफ्ते कहा आपने या 2 महीने? 2 महीने मैडम। 2 महीने, ठीक है। 2 महीने के लिए एक अच्छी कॉल आती हुई सर की तरफ से, एक रॉकेट शेयर सर ने बता दिया है। एंट्री लेवल सर एक बार वापस से बता दीजिए, 153 पे आपने एंटर करने को कहा है हमें। 153 के ऊपर, ठीक है, 153 के ऊपर एंट्री ले लेनी है। पहला टारगेट 160-70-80। 160-70-80 ये टारगेट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। सर इसके अलावा सेकंड रिकमेंडेशन? सेकंड रिकमेंडेशन है इंडिगो। इंडिगो, ठीक है। जी सर बताइए। इंडिगो 1730 के आसपास लेना है, ठीक है, 1700 है तो उसको और ऐड करना है, ठीक है, तब उसका टारगेट होगा 1770 का, 1800 का, 1850 का और 1900 का। इस पूरे सेक्टर में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, स्पाइसजेट भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, पूरे सेक्टर में कुछ हो रहा है। पूरे सेक्टर में कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो पूरे सेक्टर में कुछ हो रहा है और उसमें से एक कॉल आपको मिलती हुई इंडिगो सर ने बता दी है। 1700 के लेवल पे और एंट्री करनी है आपको। टारगेट सर एक बार वापस से दोहरा दीजिए प्लीज। 1800 1850 1900 1800 1850 ठीक है, 2000 जाना भी इसका पॉसिबल है। स्टॉप लॉस क्या लगा के चलें सर? सर स्टॉप लॉस लगाएंगे 1650 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 1650 सर ने बता दिया है। ठीक है सर, सर आज यही दो रिकमेंडेशंस मिल रही हैं हमारे दर्शकों को। हाँ मैडम ये दो। ठीक है ठीक है, हमारे साथ जितने भी दर्शक मौजूद हैं, श्रेयसी गुप्ता जी, एलेक्सर एकदम ठीक है, जल्दी सर वापस से शो करेंगे। जी सर बताइए। जी जी एक अपडेट देना था, लास्ट टाइम एक आपके व्यूअर ने सवाल पूछा था आदित्य बिरला फैशन पे 250 आसपास पे पूछा था। ठीक है, तब मैंने उनको कहा था 260-270 भी स्टॉक में बहुत इजीली जाएंगे और उन्होंने स्टॉक सेलेक्ट अच्छा दिया है और उनको कह दिया उनके सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। सारे टारगेट्स हिट हो गए हैं सर। स्टॉक का नाम बताइएगा एक बार फिर से। आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला, आदित्य बिरला फैशन फैशन। ठीक है ठीक है, सर सवाल लेना शुरू करूं मैं आज के? हाँ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक बार चेक कर लीजिए क्या राय होगी। दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। ₹21 में वो ऐड करें, ₹25 पर क्लोज करें तो वो और ऐड करें और 32 पर क्लोज करें तो और ऐड करें। तीन पार्ट में उनको पोजीशन बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है तो। ठीक है, फिर पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक है, पोजीशन को होल्ड करते हैं, 35 के ऊपर क्लोज करें तब उनको ऐड करना है। ठीक है सर। सर अगला सवाल राजीव भाटिया जी का, PNB हाउसिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये स्टॉक 708 के ऊपर क्लोज करे तब ये स्टॉक बुलिश होगा तब इसमें पोजीशन बनाए। क्या करना है सर? 708 के ऊपर क्लोज करेगा तब इस स्टॉक में पोजीशन बनाए। ठीक है, तब तक ये स्टॉक वीक है, साइडवेज चलता रहेगा, उसके ऊपर मोमेंटम आएगा 708 के ऊपर तब पोजीशन बनाए। ठीक है, तो राजीव भाटिया जी इस पे चंदर सर की राय आती हुई पीएनबी हाउसिंग पे आपको पता चल गया है किन लेवल्स पे आपको एंट्री बनानी है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मैं लेती हूँ। RBL बैंक, ललित मेहता जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। RBL बैंक को 174 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही एंटर करें। ठीक है, पहला टारगेट 183 का होगा, 190 और 200 का होगा। ठीक है, तो अच्छे टारगेट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इस हिसाब से ये जो टारगेट सर ने बताए हैं इन्हें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सिवा रामकुमारन, जल्दी एलेक्सर आ जाएंगे, हम जानते हैं कि आप एलेक्सर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जल्दी सर आ जाएंगे और ये जो शो होगा फिर आप उनके साथ करना शुरू कर सकते हैं। सर दिनेश शर्मा जी आपको धन्यवाद कह रहे हैं। इसके बाद राजीव जी का मैं सवाल ले लेती हूँ सर। अभी वैसे इस पे हमने बात कर ली है लेकिन एक बार फिर भी आप स्टर्लिंग एंड विल्सन देख लीजिए फ्रेश बाइंग के लिए, SW सोलर। SW सोलर बुलिश लग रहा है पर ये यहाँ से वन वे बढ़ा हुआ है लास्ट दो दिन में, थोड़ा रिट्रेस करके 290-295 के आसपास है तो उसको ऐड करें तो उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। स्टॉक बुलिश लग रहा है। ठीक है, ये स्टॉक
जो है बुलिश लग रहा है चंदर सर को, एसडब्ल्यू सोलर, अच्छा पिक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यही स्टॉक मैंने आपके चैनल पे रिकमेंड किया था 253 पे। जी सर, जी याद है सर। इसके बाद रोहित जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार एलटी को आप चेक कर लीजिए। एलटी बुलिश लग रहा है, ये मैंने अपने पेड क्लाइंट्स को 1595 में बाय करवाया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और आज 1660 आसपास चल रहा है, 1670 ऊपर क्लोज करेगा तो और ज्यादा मोमेंटम आएगा, जो एलटी को 1700-1740 के जोन तक बहुत फास्ट लेके जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। रोहित सर कुछ मैसेज पहुंचा रहे थे मुझ तक, मुझे लगा कि एलटी ये स्टॉक जानना चाह रहे हैं, ये दर्शकों से बात कर रहे हैं। ठीक है चंदर सर, आज माफी चाहेंगे थोड़ा सा देरी से आपके साथ कनेक्ट हुए हम, बहुत धन्यवाद आज की कॉल्स के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए, ये जो रॉकेट शेयर्स हैं इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो हम हमेशा बात करते हैं, हमारे साथ बहुत से एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। आपके साथ जुड़ते हैं ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए। इसी तरीके से आप हमारे दर्शकों के लिए अपना वक्त निकालते रहिएगा, बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जी, एक स्टॉक और ऐड करना है। जी सर, बिल्कुल कीजिए। जी सर, डेटामेटिक्स जी सर बताइए। ये 305 आसपास आए तो ऐड करना है। ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 275 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तब इसका टारगेट होगा पहला 330, 350, 375 का और 400 का। ठीक है सर, एक बार वापस से लेवल्स बता दीजिए, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने इसमें? 305 पर एंट्री करना है, 305 पे एंट्री का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 275 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट देखने को टारगेट होगा 330, 350, 375 और 400 का। 400 तक जाने की गुंजाइश है, एक बहुत अच्छा रॉकेट शेयर सर ने बताया है, डेटामेटिक्स बाय करना है आपको 305 में, स्टॉप लॉस लगा के चलिए 275 रुपए का, और 400 तक के लेवल्स आपको टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो, माफी चाहेंगे, एक और रिकमेंड अपडेट देना था, एडीजीएल करके एक स्टॉक दिया था 935 पे, एडीजीएल करके एक स्टॉक दिया था 935 पे, एटीजीएल चेक कर लेते हैं सर। जी सर बताइए, दिया था। ठीक है, आइए 1350 ऊपर है, दर्शकों को कहिए सारे पैसे बुक कर ले ये, और ये ट्रेड को एक बार खत्म करें। ठीक है, तो एक ये स्टॉक सर ने दिया हुआ था अदानी टोटल गैस लिमिटेड, इसमें सारा जो प्रॉफिट है वो निकालना है आपको, ये सर की तरफ से राय आती हुई।